परंतु यहां पर हम एक एक भक्तों से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे आज कि प्रह्लाद महाराज के लिए जब भगवान प्रकट हुए तो प्रह्लाद महाराज का गुण क्या था, कि प्रह्लाद महाराज ने भौतिक पदार्थों तत्वों में दिव्यता देखी, सींग स्पिरिट इन मैटर, जो कि हिरण्यकशिपु बिल्कुल उल्टा था। भगवान सामने हैं अपने दिव्य रूप में, लेकिन हिरण्यकशिपु उसके अंदर केवल मैटर देख रहा था। तो ये गुण हम प्रह्लाद महाराज से सीखते हैं, हाउ टू सी स्पिरिट इन मैटर। चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, हम कैसे उसे, जैसे श्रील प्रभुपाद वो हरेक चीज को, भगवान श्री कृष्ण और हमारे जो कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी है उससे कनेक्ट करते थे। जैसे एक बार बहुत से डिवोटीज वो लोग मॉर्निंग वॉक करते करते एक जू तक पहुंचे, चिड़ियाघर। तो जो रास्ता वहां से निकलने का, चिड़ियाघर से होके जाना था उनको, तो एक ब्रह्मचारी, वो एक पिंजड़े में शेर बंद था और शेर के छोटे छोटे पिल्ले। तब शेर के पिल्ले के साथ ये ब्रह्मचारी खेलने लगा और शेर के पिल्ले के पूंछ को खींच रहा है पिंजड़े में, तो वो गुर्राने लगा, भी है तो शेर का पिल्ला ना, तो वो ही गुर्राने लगा। तो ये ब्रह्मचारी डर गया और माँ भी उधर बैठी गुर्रा रही थी। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद पीछे आए और प्रभुपाद बोले, माया देवी इज लाइक दिस टाइगर्स कब, लुक्स वेरी क्यूट एंड कडली, बट व्हेन यू पोक हर शी विल रोर एंड डिवोर यू, सो डोंट प्ले विथ माया। प्रभुपाद ने देखा एक पेड़ के नीचे बीट गिरी हुई थी। बीट समझते हैं आप, जो पक्षी विष्ठा छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद ने बर्ड ड्रॉपिंग्स, व्हाट इज दिस, तो सब लोग देख रहे हैं भाई चिड़िया का टट्टी है क्या है इसके अंदर। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, दिस प्रूव्स दैट इवन बर्ड्स आर सो अटैच्ड टू वन प्लेस दैट दे स्टे एट वन प्लेस, इससे ये समझ में आ रहा। प्रभुपाद ने घास को देखा, कई घास हरी थी, कई घास वो पीली हो चुकी थी। प्रभुपाद ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, डिवोटीज को समझ में नहीं आया, पीली घास हरी घास। एक ने कहा, त्रणादपि सुनी चेना, प्रभुपाद बोले नहीं। प्रभुपाद बोले, दोज ग्रास विच इज अटैच टू द रूट्स दे ऑलवेज रिमेन ग्रीन, बट दैट ग्रास विच इज डिटैच्ड फ्रॉम द रूट्स टर्न येलो। Similarly, if we want to remain green, we should be attached to the roots, that is Krishna. तो प्रभुपाद ऐसे कितने incidents है, प्रभुपाद वहां पर seeing spirit in matter. उसके पश्चात ब्रह्मा जी के वाक्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान जो प्रकट हुए, तो यहां पर ये शिक्षा हम क्या ग्रहण करते हैं कि भगवान कितने सेंसिटिव थे। जैसे परीक्षित महाराज को जब अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा मारने के लिए, तो अब ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, तो भगवान माता उत्तरा के गर्भ में गए परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए, परंतु भगवान पहले रुके। ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित महाराज को अचेतन बना दिया था, यहां तक वर्णन है कि परीक्षित महाराज वो मर चुके थे, और उसके पश्चात फिर भगवान ने पुनर्जीवित किया परीक्षित महाराज को। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि पहले ही ब्रह्मास्त्र को रोक देते तो इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। लॉर्ड कृष्णा He maintained the credibility of ब्रह्मास्त्र, कि जो ब्रह्मास्त्र
कि क्रेडिबिलिटी क्या है कि एक बार ब्रह्मास्त्र यदि किसी ने छोड़ दिया तो वो अपने लक्ष्य को साध के ही वापस आता है। तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए, नहीं तो फिर सब लोग कहते कि ब्रह्मास्त्र वो कभी कभी चलता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हर समय 100% नहीं रहता। सो टू कीप द इमेज ऑफ ब्रह्मा जी अस्त्र, लॉर्ड कृष्णा वेटेड सेंसिटिविटी। एक और पौराणिक कहानी है, हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो हिरण्याक्ष के बेटे का नाम था रक्त विलोचन। देखो इन सबके नाम भी कितने डेडली हैं। हिरण्याक्ष के बेटे का नाम था रक्त विलोचन। तो ये रक्त विलोचन इतना ज्यादा आग बबूला हुआ कि मेरे पिताजी को मार डाला। तो रक्त विलोचन ने तपस्या की शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और शिवजी जब प्रसन्न हुए तो शिवजी से वरदान मांगता है रक्त विलोचन। देखो कैसे कैसे वरदान ये लोग मांगते हैं। तो इसने वरदान मांगा कि कोई भी मुझसे जीत नहीं पाए ऐसा वरदान मुझे दीजिए, और कोई जब मुझसे युद्ध करे और मुझे घायल भी करे तो मेरे शरीर के रक्त का एक एक बूंद जो धरती पर गिरेगा उससे एक ऐसा असुर पैदा होना चाहिए जो मेरी सहायता करेगा, लड़ाई में मेरी सहायता करेगा, और मेरी सहायता करने के बाद मेरे अंदर चला जाएगा। देखो क्या वरदान मांगा। तो शिवजी भी सोचने लगे कि पता नहीं कैसे कैसे आते हैं मेरे उपासक, ऐसे वरदान मांगते हैं। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है। तो अब ये सब जगह पर दहशत फैला रहा था, तो विश्वामित्र मुनि, उस समय विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, उनका हम सब सुने 36 का आंकड़ा चल रहा था, दोनों में बनती नहीं थी। तो विश्वामित्र मुनि को पता चला कि ये रक्त विलोचन एक नया असुर पैदा हुआ है, लेटेस्ट मॉडल है मार्केट में। तो विश्वामित्र मुनि ने इस रक्त विलोचन को भेज दिया वशिष्ठ मुनि के बेटों को मारने के लिए। तो ये गया रक्त विलोचन, जाके वशिष्ठ मुनि के बेटों को मार डाला इसने। तो वशिष्ठ मुनि और अरुंधति वो लोग इतने परेशान, तो वो भगवान श्री नरसिंह देव को प्रार्थना किए और आह्वान किए। तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो देखो भगवान नरसिंह देव कब कब प्रकट हुए, कल मुझे प्रश्न पूछा गया था, हमने पूछा था ना प्रश्न कि क्या भगवान नरसिंह देव के रूप में जब आए स्तंभ से उसके बाद प्रहलाद महाराज के वो आराध्य बने? नहीं, वो एटर्नल फॉर्म है नरसिंह भगवान का, और अलग अलग तरीके से वो प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने जब आह्वान किया तो नरसिंह देव प्रकट हुए, और नरसिंह देव तीर से इसको मार रहे थे, नाखून से नहीं तीर से, धनुष बाण हाथ में लिए हुए तीर से मार रहे। अब इसको जो वरदान मिला था कि यदि ये घायल होता है तीर लगता है तो रक्त गिरेगा, तो इतने सारे इतना रक्त रक्त की बूंदे गिरे इसके शरीर से, तो इतने सारे असुर पैदा हो गए और वो सब प्रहार करने लगे। तब भगवान नरसिंह देव उन्होंने सोचा, अब देखो उनको कोई जरूरत नहीं है कि शिवजी ने वरदान दिया उसको इंटैक्ट रखना, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उसको इंटैक्ट रखना, कोई जरूरत नहीं थी उनको, वो उसको बाईपास करके मार सकते थे। कौन से मुद्दे पर है? सेंसिटिविटी। तो भगवान ने माया शक्ति नामक एक स्त्री का निर्माण किया और उसे कहा कि जो भी रक्त गिरेगा तुम उसको कलेक्ट करते रहो, उसको धरती पर टच मत होने दो, उस रक्त को धरती पर टच मत होने दो। तो ये माया शक्ति जो भी रक्त गिर रहा था उस रक्त को वो इकट्ठा कर रही थी पात्र में, और फिर भगवान नरसिंह देव ने इस रक्त विलोचन का वध किया, और फिर वो जो इतना रक्त उसका इकट्ठा हुआ, आंध्र प्रदेश में अंतर्वेदी नाम की जगह है जहां पर भगवान का ये रूप है, और वहां पर रक्त होली करके जो नदी इस रक्त से बनी, शायद आज तक वो नदी वहां पर है। तो ये रक्त विलोचन को जो शिवजी ने वरदान दिया
भगवान इतने सेंसिटिव थे कि उसको भगवान ने बाईपास नहीं किया। जैसे कि ब्रह्मा जी ने जितने भी वरदान दिए तो भगवान उसको बाईपास नहीं किए, उसको इंटैक्ट रखते हुए कि तुम्हारा मान रहे। इसलिए तो यहां पर ब्रह्मा जी से हम सीखते हैं सेंसिटिविटी, नारद मुनि से हम सीखते हैं कि नारद मुनि ने जब देवताओं को कह दिया कि मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ये भगवान का अनन्य भक्त पैदा होने वाला है, और न केवल भगवान का ये अनन्य भक्त पैदा होने वाला है, इसके वजह से भगवान का एक ऐसा अवतार प्रकट होगा न भूतो न भविष्यति। तो नारद मुनि के वाक्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो इससे हम शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं? फेथ इन द वर्ड्स ऑफ प्योर सोल्स। अच्छा, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु का कौन सा वाक्य था? तो जब प्रह्लाद को मारने का इतना प्रयास हिरण्यकशिपु कर रहा था अलग अलग तरीकों से, और प्रह्लाद के बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था हिरण्यकशिपु, तो एक दफा हिरण्यकशिपु उसके मुख से निकल गया कि ये प्रह्लाद कौन सी मिट्टी का बना है, ये प्रह्लाद कौन सी चक्की का आटा खाता है ये, कि ये मर ही नहीं रहा है। और फिर उसके मुख से निकल गया, शायद मुझे लगता है कि इस प्रह्लाद के वजह से मैं अपने प्राण खो दूंगा। भगवान ने उसको नोट डाउन कर लिया, हिरण्यकशिपु तूने बोल दिया ना, बस सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अब देखो, लक्ष्मी देवी, उनको कहा गया है कि लक्ष्मी देवी जो हैं वो भगवान का कृपा एस्पेक्ट है, जैसे कि श्रीमती राधा रानी, वैसे लक्ष्मी देवी भगवान की कृपा एस्पेक्ट है, इसलिए ज्यादा लोग लक्ष्मी के उपासक होते हैं ना। लेकिन वो चंचला भी है, वो लक्ष्मी चंचला भी है। लक्ष्मी देवी के विषय में कहा गया है कि जैसे समंदर से कोई अगर एक घड़ा पानी ले लेता है, तो अभी समंदर जो है वो पानी सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसमें से जब कोई एक घड़ा पानी ले लेता है तो अब वो पानी उसका हो गया ना। तो आजकल व्यापार का लॉजिक या इक्वेशन क्या है? समंदर का पानी मतलब जनता का पैसा। तो व्यापारी का लॉजिक क्या है? वहां से मटके से लो, जनता का पैसा अब मेरा हो गया। तो लक्ष्मी वहां से ऐसे ट्रांसफर हो गई। इसलिए आपने देखा लक्ष्मी के हाथ में घड़ा होता है, देखा आपने? तो वो है चंचला लक्ष्मी। लेकिन यहां पर लक्ष्मी नारायण के साथ जब होती है, तो लक्ष्मी ने जब देखा कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का ऐसे वध किया है नृशंस तरीके से, तो लक्ष्मी देवी नरसिंह भगवान से कहती है, अरे एक मौका तो दिया होता उसको, बिना पैरवी के, बिना कोई मौका दिए सीधा सर्जरी कर दिया। तो भगवान नरसिंह देव वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि सब लोग मेरे इस लीला का गुणगान कर रहे हैं, एक पत्नी है जो नहीं करती है। एक हमारे गोपीनाथ के गृहस्थ भक्त बता रहे थे, उनको बहुत अच्छा क्लास देते हैं, तो सब ब्रह्मचर्य अपने सहपाठियों को रिसेस में, जो मध्यांतर होता है, रिसेस में प्रचार करते थे, और ये लोग क्लास खत्म होने की प्रतीक्षा करते थे कि कब ये षंड अमरका की क्लास खत्म हो और हम ये प्रह्लाद के मुख से सुने क्लास। तो उसमें वो लोग भक्त बन रहे थे, और षंड अमरका को उसको ज्यादा डर था कि ये सबको भक्त बना रहा है। और यहां पर जब प्रह्लाद मर नहीं रहे थे, इतना प्रयास करने के बाद भी जब प्रह्लाद मर नहीं रहे थे, तो हिरण्यकशिपु के मन में डाउट आ गया, क्योंकि सब चर्चा होने लगी, सारे जो
सहपाठी क्लासमेट्स प्रभुपाद के, प्रहलाद के, वो कहने लगे कि जो प्रहलाद हमको बोलता था वो सच है, ही वॉक्स हिज टॉक, सच बोलता है वो, मर ही नहीं रहा है। और बाकी सारे जो राक्षस गण पार्षद हिरण्यकशिपु के, वो चर्चा करने लगे कि हम शायद गलत मास्टर को चुन लिए हैं, ये प्रहलाद ही सही है, ये मर नहीं रहा है, एक्चुअल वरदान इसको मिला है शायद अमरत्व का। तो हिरण्यकशिपु जब ये सब कुछ सुन रहा था कि लोगों का फेथ मुझसे उठ रहा है, बच्चों का फेथ मुझसे उठ रहा है, तब भी हिरण्यकशिपु वो सुधरा नहीं। तो इसलिए यहां पर टेकिंग अपॉर्चुनिटी सीरियसली, भगवान अलग अलग तरीके से हमको संकेत देते रहेंगे सुधरने के, कि अब भी सुधर जाओ। जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना कि हाथ कटना था केवल उंगली कटी या नाखून कटा, तो कई बार जब ऐसा होता है तो हमको दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि शायद भगवान हमें कुछ संकेत दे रहे हैं, कई बार डिवोटीज के थ्रू, कई बार हमारी परिस्थिति, जो माहौल है, अलग अलग तरीके से हमको संकेत देंगे। और फाइनली चतुष्कुमार, क्योंकि लीला प्रारंभ हुई वैकुंठ द्वार, वहां पर चतुष्कुमार प्रवेश करना चाहते थे और जय विजय ने रोक दिया, तो जय विजय उन्होंने क्या किया, दे जज्ड और मिसजज्ड फोर कुमारास एंड फोर कुमारास कर्स्ड जय विजय। लेकिन जब भगवान वहां पर प्रकट हुए तो दोनों उनमें सुलह हो गई और दोनों पश्चाताप करने लगे, जय विजय पश्चाताप करने लगे कि हमने मिसजज क्यों किया इन चार कुमारों को, और चार कुमार पश्चाताप करने लगे कि हमने ऐसा श्राप इनको क्यों दिया। तो भगवान बीच में आए और भगवान ने इन दोनों के बीच में सुलह कराई। तो ये फाइनल लेसन हम सीखते हैं चतुष्कुमार और जय विजय से, कोऑपरेशन।